तो बावलोग एगाथा ऑल अलोंग का थर्ड एपिसोड आ चुका है, चलो बात करते हैं। विचिस रोड इतनी इंटरेस्टिंग होगी सोचा नहीं था। पावरफुल एडवेंचर्स है, आगे आगे बढ़ते रहो, गुत्थियां सुलझाते रहो, जो एक बार के लिए अपनी हातिम ताई की याद दिला गया, जिसमें पहेली दी जाती थी और अपने हीरो को पहेली सॉल्व करनी पड़ती थी। तो बाबा एगाथा अपने कोवन यानी विचिस ग्रुप के साथ विचिस रोड पर एंट्री मार चुकी है और ये रोड जो उन्हें पावर्स लौटाने वाली है रोड के लास्ट पड़ाव पर, उससे पहले ढेर सारे इम्तिहान लेगी और ढेर सारी मुसीबतें भी डिलीवर करके जाएगी। और रोड ने अपना काम शुरू कर दिया है उनकी मुसीबत डालने का, और जितनी भी ये ठुकी पिटी चुड़ैल हैं एगाथा अपने साथ लेकर जो आई है, उन सब की अपनी अपनी एक स्पेशियलिटी है, जिसमें लिलिया फ्यूचर विजन देखेगी यानी आने वाली मुसीबतों से ये बचा सकती है उन्हें, जैन पोशन एक्सपर्ट है यानी विचेस की एस साइंटिस्ट कह लो इसे, एलिस वू गलीवर स्ट्रांग पावरफुल विच है जो एक बॉडीगार्ड का काम करेगी, एंड मिसिस हार्ट जो ग्रीन विच है, इसका ना जाने क्या रोल है। तो बाबा ये लोग एक मिस्टीरियस घर में अपना पहला पड़ाव पार करने के लिए घुस जाते हैं, जो देखने में वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन इन्हें यही तो गुत्थी सुलझानी थी, दिखने में सुंदर लेकिन उसके पीछे जानलेवा दुश्मन। और यहाँ उनकी पहली सुलझाने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें उन्होंने एक वाइन भी पी जो एक्चुअली पॉइजन्ड वाइन थी और ये इनके पहले टेस्ट का पार्ट था। उसके बाद इन्हें एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा खुद ही, और यहाँ जैन की स्पेशियलिटी काम आई यानी विचेस की जो साइंटिस्ट है हमारी, एक एंटीडोट बनाया जहर को काटने के लिए। उसके बाद पहले तो पॉइजन ने सबके चेहरे खराब करे, जो ये सुंदर सुंदर चुड़ैलें थी इनकी सबकी शकल की होलिया खराब करी बिगाड़ा, और इसी बीच सभी को अपने अपने पास्ट की वो सबसे बड़ी रिग्रेशन और गलती दिखी है जिसका एक्चुअली उन्हें पछतावा रहता है पूरी उम्र में, यानी वो कीमती चीज जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खोया है। और उस घर में वो हेलुसिनेशन सबको एक एक करके उनके पास्ट मिस्टेक को दिखाता है, जिसमें लिलिया ने अपनी फूल सी बच्ची किसी विचेस के हाथ खोई थी यानी स्पेल्ड हुई थी, और ये चीज़ उसे सताती रहती है पूरी लाइफ। जैन जिसका बाप हरामी था और उसे बुली करता था और वो उसका सबसे बड़ा दर्दनाक पास्ट था अपने पार्ट का, अपने लाइफ के पार्ट का। एलिस वो गलीवर जिसने अपनी माँ को खोया था, जिसका उसे ज़िंदगी भर मलाल है और वो मोमेंट उसके रिकॉल होता है बार बार, और यही उसका सबसे दर्दनाक पार्ट है। देन उसके बाद एगाथा ने अपने बच्चे को खोया था, जो जैन के द्वारा ही बताया गया कि उसने अपने पावरफुल विच बनने के लिए अपने बच्चों को बलिदान दिया था, पर एगाथा के एक्सप्रेशन से लगा नहीं कि उसका वो मतलब था अपने बच्चे की कुर्बानी वाला वगैरह वगैरह, या फिर हो सकता है जिसका वो नाइटवेयर उसे हमेशा सताता रहता है एक्चुअली उसने बलिदान दिया हो, और उस पॉइजन ने एगाथा को उसके पास में पहुंचाया जो वाकई में दर्दनाक था। तो बाबा ये जो टीन है यानी अपना मिस्टीरियस बॉय जिसपे स्पेल है, उसकी आइडेंटिटी छुपाए रखने का सिर्फ एगाथा नहीं बाकी की विचेस को भी उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जा रही है, तो कहीं ये एगाथा का ही खोया हुआ बेटा ना हो जिससे एगाथा अनजान है। लेकिन दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू बुक यानी अकॉर्डिंग टू कॉमिक, टीन का जो कैरेक्टर है वो बिली कैपलेन से मिलता जुलता है, जो अपनी स्कारलेट विच का ही लड़का था, जुड़वा में से एक लड़का, और वो जर्नी में निकलता है अपनी माँ को खोजने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये किसका लौंडा होता है या फिर इसकी मिस्ट्री क्या है। तो बाबा एगाथा एंड उसका ग्रुप ने पहला पड़ाव पार कर लिया है एंड अगेन बैक टू विचेस रोड, अपने रोड पर आ चुकी हैं। लेकिन सैड न्यूज इज दैट मिसिस हार्ट मारी गई है उस पॉइजन के जहर के बाद। देखते हैं फोर्थ एपिसोड में अब कौन सा टेस्ट हमारी विचेस को पार करना होगा, और डेट नोट कर लेना क्योंकि फोर्थ एपिसोड 2 अक्टूबर को मिल जाएगा, कहां पर? डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। तो बने रहो, बाकी दैट्स ऑल रिव्यू एन एक्सप्लेनेशन। देखो भाई मजा आने वाला है क्योंकि एट लास्ट हमें अपनी बेलेवर्ड स्कारलेट विच भी देखने को मिल सकती है इस सीरीज के लास्ट में शायद। बाकी वीडियो कैसी लगी भाई नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। आज द रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड 7 भी ड्रॉप आउट हो चुका है, तो कुछ देर बाद वो भी उसका रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। देन उसके बाद भाई रॉबर्ट रिवेलियन पर काफ़ी डिमांडें चल रही थी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो वो वीडियो भी आज रात तक या फिर आज रात नहीं तो फिर कल सुबह तक ड्रॉप आउट हो जाएगी उसका पहला पार्ट, क्योंकि रॉबर्ट रिवेलियन बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत बड़ा स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।